गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक के पोएट्री का पोएम नंबर फर्स्ट है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और परीक्षा उपयोगी प्रश्न में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इससे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच रोड वॉज टेकन बाई द पोएट, यानी कवि ने कौन सा रास्ता चुना। इसका आंसर होगा, द पोएट वॉज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर द रोड वॉज डिवाइडेड इंटू टू, यानी कवि एक ऐसे स्थान पर खड़ा था जहाँ सड़क दो ओर जाती थी, यानी दो ओर बटी थी। बोथ लुक्ड सेम एट द फर्स्ट साइट, यानी पहली दृष्टि में दोनों रास्ते एक जैसे लगते थे, यानी एक जैसे दिखते थे। बट वन ऑफ देम वॉज लेस ट्रेवल्ड, लेकिन उनमें से एक पर कम लोग चले थे। ही च्वाइस दैट रोड, यानी उसने वही रास्ता चुना। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई वर द पोएट सॉरी, यानी कवि क्यों दुखी था, यानी कवि को किस बात का अफसोस था। तो इसका आंसर होगा, द पोएट वॉज सॉरी ही वॉज ओनली वन पर्सन एंड ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स एट अ टाइम, यानी कवि दुखी था क्योंकि वह एक समय में दो रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द पोएट स्टैंड लॉन्ग, यानी कवि काफ़ी देर तक खड़ा क्यों रहा। तो इसका आंसर होगा, देयर वर टू रोड्स बिफोर द पोएट, यानी कवि के समक्ष दो रास्ते थे। ही हैड टू चूज वन ऑफ देम, उनमें से उसे एक का चुनाव करना था। ही स्टूड लॉन्ग ट्राइंग टू सी वन ऑफ द रोड्स एज फार एज ही कुड सो दैट ही माइट टेक द राइट चॉइस, वह लंबे समय तक उन दोनों रास्तों में से एक को जितनी दूर तक वह देख सकता था देखा, उतनी दूर तक देखने की कोशिश करने के लिए खड़ा रहा जिससे कि वह सही रास्ते का चयन कर सके। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर, यानी दो रास्ते किस बात के प्रतीक हैं। तो इसका आंसर होगा, टू रोड्स स्टैंड फॉर द टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ च्वाइस इन लाइफ, यानी दो रास्ते जीवन में दो अवसरों या चुनाव के प्रतीक हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।